26 जून 1975 की सुबह जब देश के लोगों की नींद खुली, तब उन्हें आकाशवाणी पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज पे एक संदेश सुनने को मिला। भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस संदेश के बाद अगले 21 महीनों तक देश का लोकतंत्र इंदिरा गांधी का बंधक बन गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए। सरकार विरोधी प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया और लाखों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। आपातकाल की जाकियों का परिणाम ये हुआ कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। 1971 के चुनाव में 352 सीट जीतने वाली कांग्रेस 1977 में 189 सीटों पर सिमट गई। लेकिन इमरजेंसी के इतने सालों बाद स्क्रॉल इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। अपने एक लेख में स्क्रॉल के एक पत्रकार शोएब दानियाल ने वोट प्रतिशत के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की है कि लोग आपातकाल से नाराज नहीं थे। आर्टिकल में शोएब का कहना है कि विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आपातकाल बहुत ही बुरा है, जबकि ऐसा नहीं था। शोएब लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को एक अंधकारमय काल बताया था, जबकि देश के 3000 सालों के इतिहास में ऐसे बहुत से अंधकारमय काल आए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने इंदिरा राज की तुलना ब्रिटिश राज से की थी। स्क्रॉल के लेख में चुनाव में वोट प्रतिशत के आंकड़े देकर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि लोग आपातकाल से नाराज नहीं थे। शोएब कहते हैं कि आपातकाल के बाद 1977 में कराए गए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 34.5% वोट हासिल हुए थे, जो 2014 के मोदी लहर में भाजपा को मिले वोटों से अधिक थे। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को 1971 में हुए चुनाव की अपेक्षा 9.3% कम वोट मिले थे, लेकिन ये लेखक को जनता की नाराजगी नहीं दिखती। खुद प्रधानमंत्री की उम्मीदवार इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, ये लेखक को जनता की नाराजगी नहीं दिखती। समूचे उत्तर भारत में कांग्रेस साफ हो गई थी, ये लेखक को जनता की नाराजगी नहीं दिखती। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करीब 31% वोट मिले थे, जिसके दम पर यह नैरेटिव फैलाया गया कि देश में 69% जनता ने मोदी को वोट नहीं दिया। लेकिन 1977 में कांग्रेस को पिछले चुनाव से 9.3% कम वोट मिले थे, तो इस आधार पर अब यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि आपातकाल से जनता नाराज नहीं थी। 1977 में 34% वोट पाया था कांग्रेस ने, तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि देश की 66% जनता कांग्रेस से नाराज थी। शोएब ने दक्षिण भारत के आंकड़े देकर बताया है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस का वोट शेयर बड़ा था, लेकिन लेखक को ऐसे कितने नाम याद हैं दक्षिण भारत के नेताओं के, जिन्होंने आपातकाल का विरोध करते हुए हाथों में बेड़िया डालकर जेल में बिताई हो। उत्तर भारत के प्रमुख राज्य बिहार से आपातकाल विरोधी आंदोलन की लौ जली थी और सबसे ज्यादा उत्तर भारत के नेता ही थे जो मुखर रूप से इंदिरा और आपातकाल का विरोध कर रहे थे। दक्षिण के सिर्फ 4 राज्यों के आंकड़े देकर ये नैरेटिव फैलाना कि पूरे देश की जनता आपातकाल से उतनी नाराज नहीं थी जितना विपक्ष ने दिखाया है, ये बहुत ही बेशर्मी भरी सोच है और बहुत ही बेशर्मी भरा दुस्साहस है।